हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई सेक्शनी कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोजाइलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ इथाइल अल्कोहल गिव्स ए कार्बोजाइलिक एसिड बी एंड कंपाउंड सी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सी अंडर एसिडिक कंडीशन गिव्स बी एंड डी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी विथ KMnO4 ऑल्सो गिव्स बी। बी ऑन हीटिंग विथ CaOH2 गिव्स ई। मोलिकुलर फॉर्मूला ई का दिया हुआ है। ई डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन बट फॉर्म्स ए 2,4-DNP। DNP डाय नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ए बी सी एंड डी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आप चार्ट बना दीजिए। तो ए का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से, ए प्लस C2H5OH, तो बनता है आपका बी प्लस सी। और बी आपका एसिड दिया हुआ है, कार्बोजैलिक एसिड बी, ये जो है एसिड है प्लस सी। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सी अंडर एसिडिक कंडीशन गिव्स बी एंड डी। अब सी का यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो H3O+। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर से बी एसिड बनता है प्लस डी। उसके बाद फिर डी विथ KMnO4 ऑल्सो गिव्स बी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी, डी जो है इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में, तब भी आपका बी बन जाता है। और उसके बाद बी को हीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ई बनता है। बी कार्बोजैलिक एसिड है, CaOH होल ट्वाइस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ई बनता है। और आपको ई के बारे में दिया हुआ है कि ये टोलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो 2,4-DNP टेस्ट देता है मतलब कार्बोनाइल होगा। कार्बोनाइल होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर एल्डिहाइड होगा तो टोलेंस टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, तो कीटोन है। और ई का मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ, C3H6O। तो C3H6O तीन कार्बन एटम का कीटोन, एक ही पॉसिबिलिटी है, सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ एक एक कार्बन हो, तो आपका CH3CH3, ये आपका कीटोन है, एसीटोन। और एसीटोन बनता है कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं CaOH होल ट्वाइस, उसके बाद हीट करते हैं। तो आपको पता होगा कि Ca2+ कैल्शियम आयन का साल्ट जो रहता है विथ कार्बोजाइलिक एसिड, उसको यदि हीट करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। और ये कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब साल्ट में से माइनस CaCO3 होता है, तो इसमें से CaCO3 ऐड कर दीजिए, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और Ca2+ ऑक्सीजन और एक एक कैल्शियम ऐड किए हैं। अब इधर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये भी ओ माइनस। तो देखिए इस तरह से CaCO3 हो जाता है, CaCO2 और एक ओ, तो CaCO3 हुआ, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये आपका बनता है। मतलब आपके पास साल्ट जो है कैल्शियम एसीटेट का है, CaCH3COO2, मतलब कि एसिड आपका होगा CH3COOH। एसिड प्लस बेस से साल्ट बनेगा, मतलब ये अपना H+ और ये अपना H+ देगा तो H2O बनाएगा, और साथ में ये कैल्शियम एसीटेट। तो साल्ट प्लस वाटर, मतलब कि बी आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH। और बी बनता है डी के ऑक्सीडेशन से, तो डी का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, मतलब कि डी आपका अल्कोहल है, और अल्कोहल होगा तो डी होगा आपका CH3CH2OH, जिसको कि ऑक्सीडाइज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोजैलिक एसिड RCH2OH से RCOOH बनाएगा। तो डी आपका हो गया इथानल, बी हो गया एसिटिक एसिड। अब ये सी के हाइड्रोलिसिस से बन रहा है, मतलब कि एक को एच मिला होगा एक को OH मिला होगा, तो CH3CH2OCOCH3 इस्टर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3। देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3, इसमें से जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो CH3COOH प्लस CH3CH2OH बनाएगा। तो सी आपका इस्टर है, जिसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोजैलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, और इस्टर आपका ये है।
और बी कार्बोजाइलिक एसिड है, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, थ्री सी ओ ओ एच, तो बी सी डी सब पता चल गया, ए पता करना है। ए का रिएक्शन यदि इथानॉल से करवाते हैं तो एसिटिक एसिड प्लस इस्टर बनता है, मतलब कि ए आपका एसिड एनहाइड्राइड है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा आर सी डबल बोन्ड ओ ओ सी डबल बोन्ड ओ आर डैश। अब इस पे जब सी टू एच फाइव ओ एच ऑक्सीजन का लोन पेयर इस तरह से अटैक करेगा तो ये बाहर जाएगा, और ये आर सी ओ ओ माइनस बाहर जाएगा, एच प्लस एक्सेप्ट करके आर सी ओ ओ एच बनाएगा, आर सी ओ ओ एच मतलब बी। तो आर डैश ग्रुप जो है ये आपका सी एच थ्री होगा, तो यहाँ से सी एच थ्री अटैच कर दीजिए। और ओ सी टू एच फाइव अटैक किया, मतलब सी डबल बोन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, इसके अलावा जो इधर होगा वो आर ग्रुप होगा, तो सी डबल बोन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, इससे इधर ये आर ग्रुप, ये भी सी एच थ्री है, मतलब आर और आर डैश दोनों सेम है और दोनों सी एच थ्री होगा, तो यहाँ से सी एच थ्री अटैच कर दीजिए। तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया ए, सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ ओ सी डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री ए, बी हो गया एसिटिक एसिड, सी हो गया इस्टर इथाइल एसिटेट, डी हो गया आपका इथानल, बस ए बी सी डी ही तो पता करना था, ए बी सी डी ई भी है, ई कहाँ पे है, बी का रिएक्शन जब करवा, ई तो एसीटोन है, हाँ ई तो एसीटोन है। इसके बाद फिर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोजाइलिक एसिड अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन इजिली, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपके पास सभी में देखिए सी ओ ओ एच है, सी ओ एच है, और बताना है कि CO2 गैस किस में आसानी से रिलीज हो जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि BCA या फिर DCA, मतलब डाइकार्बोजाइलिक एसिड 1,1-DCA, एक ही कार्बन से यदि दो COOH ग्रुप अटैच रहता है तो आसानी से COOH रिलीज कर देता है BCA, बीटा कार्बोनाइल एसिड, मतलब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बीटा पोजिशन से, मतलब अल्फा बीटा, इसके बाद नेक्स्ट बीटा से यदि COOH ग्रुप अटैच है तो ये भी आसानी से CO2 रिलीज कर देता है। तो पहला देखिए PHCO CH2COH, तो ये अल्फा ये बीटा, और बीटा से COOH अटैच है मतलब BCA है, तो बीटा कार्बोनाइल एसिड है तो ये आसानी से COOH रिलीज कर देगा, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बाकी ना तो 1,1-DCA होगा ना BCA होगा, क्योंकि यदि ये दोनों रहेगा तो और भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए अल्फा से ही COOH अटैच है, जबकि बीटा से होना चाहिए कार्बोनाइल के बाद नेक्स्ट कार्बन से कार्बोजाइलिक एसिड अटैच होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ये तो अल्कोहल है, नेक्स्ट एमीन है, तो ये सब आसानी से सी ओ एच रिलीज नहीं करेगा, ये एक्चुअली में एमिनो एसिड है, एक कार्बन से सी ओ एच और एन एच टू है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट है 15, सजेस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर द मिसिंग कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, तो आपको बताना है क्या बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेंस। तो सबसे पहले डाइल्यूट KMnO4, ये आपका बायस रिएजेंट है, और बायस रिएजेंट में डबल बोन्ड के लोग दो OH ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये डबल बोन्ड हटता है और यहाँ से दो OH अटैच हो जाएगा, तो ए आपका होगा, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। इस तरह से यहाँ से एक मिथाइल अटैच था पहले से ही, सिमिलरली यहाँ से भी अटैच था, तो ये तो रहेगा ही, और डबल बोन्ड के लॉन्ग दो ओ एच अटैच हो जाएगा ओ एच ओ एच। अब जो है HIO4, तो HIO4 विसिनल डायोल, मतलब दो एडजेसेंट कार्बन से यदि ओ एच रहता है तो इसका ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ये बोन्ड ब्रेक होता है, इसको भी एक ओ एच मिलता है, इसको भी एक ओ एच मिलता है, तो बाकी सब बोन्ड को तो एज इट इज रहने दीजिए। इस तरह से सी एच थ्री एक ओ एच पहले से था, यहाँ से भी सी एच थ्री एक ओ एच पहले से था, और ये बोन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ एक ओ एच यहाँ भी एक ओ एच, तो यहाँ से भी एक ओ एच और यहाँ से भी एक ओ एच, और आपको पता होगा कि एक कार्बन से दो ओ एच अनस्टेबल होता है, तो इसलिए माइनस एच टू हो जाएगा, तो सी डबल बोन्ड हो, सिमिलरली यहाँ सी डबल बोन्ड हो, तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ से डबल बोन्ड हो डबल बोन्डो। आप अगर सी एस थ्री नहीं भी यहाँ पे लिखिएगा तो ये अंडरस्टूड रहता है कि ये सी एस थ्री ही है। अब इसका रिएक्शन ओ एच माइनस बेस से कर रहे हैं, आपके पास कार्बोनिल है और बेस, मतलब या तो एल्डोल या केनिजारो, तो यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन पोरियंट है, और अल्फा हाइड्रोजन पोरियंट है तो एल्डोल रिएक्शन,
अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता तो के निजारो होता, तो बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ जो CH3 है तो यहाँ से एच प्लस जाएगा बेस के साथ रिएक्शन करने, तो ये CH2 माइनस होगा, और CH2 माइनस जब बनेगा एच प्लस रिलीज होने के बाद तो न्यूक्लियोफाइल ये फर्दर इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो इस पे जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा तो ओ माइनस बनाएगा, मतलब इस तरह से ये कार्बन जो है यहाँ से बॉन्ड बना रहा, और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ओ माइनस बनेगा, और इस तरह से ये देखिए बाकी सब बॉन्ड को एजिटेशन रहने दीजिए, और इस कारण से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इस कारण से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। अब ये ओ माइनस जो है एच प्लस एक्सेप्ट करके ओ एच बना लेगा। अब आप इसको देखिए ये 6 मेंबर्ड का रिंग है, तो इसको आप अच्छे से लिख दीजिए इस तरह से 6 मेंबर्ड का रिंग बना दीजिए, कहीं से भी आप पहले एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखिए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप और एक OH अटैच कर दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा सी। इसके बाद फिर 16th क्वेश्चन है, एसीटोफिनोन ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड कैन प्रोड्यूस टू आइसोमेरिक ऑक्साइन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइन। तो आपके पास एसीटोफिनोन है PHC डबल बॉन्डो CH3, एसीटोफिनोन का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्साइल एमीन मतलब NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl भी होगा साथ में, तो HCl तो सिर्फ pH मेंटेन करने के लिए रहता है, क्योंकि यदि pH 3-5 तक रहता है तो रिएक्शन बहुत फेवरेबल होता है, और ये कार्बोनिल और ये अमोनिया डेरिवेटिव तो इसमें से -H2 होता है और CNG बनता है, जी आपका OH ग्रुप है तो जी आपका OH ग्रुप एडिट कर दीजिएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड CN और इससे जी ग्रुप OH है तो OH अटैच कर दीजिए। अब फिर यहाँ से एक pH और एक CH3 अटैच है तो इसको भी अटैच कर दीजिए, तो ये आपका हो गया ऑक्साइम सी डबल बॉन्ड एन OH ऑक्साइम होता है, तो यहाँ नोन पे रहता है तो इसलिए ये ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि कार्बन के अलोंग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन में से OH और CH3 सेम साइट है, pH और इस तरफ लोन पेयर होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि OH और pH सेम साइड हो, कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH pH CH3 और इधर लोन पेयर होगा, तो ये आपका दो आइसोमेरिक ऑक्साइम हो गया। दोनों का स्ट्रक्चर बताना था, स्ट्रक्चर बता दिए। नेक्स्ट, सो द स्टेप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको स्टेप्स बताना है, इथाइल बेंजीन से बेंजीन में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्जन रिएक्शन है। नेक्स्ट, इथाइल बेंजीन से 2-फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले इथाइल बेंजीन पीएच मतलब बेंजीन से इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए CH2 CH3, इससे आपको इथाइल ग्रुप हटाना है, तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन आप करवाइए KMnO4 से, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन पोरियंट है मतलब बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन है, तो KMnO4 इसको बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, अगर बेंजाइलिक पोजीशन से एक भी हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड पोरियंट रहता है तो वो COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है KMnO4, तो यहाँ से COOH बना देगा। अब फिर यहाँ से CO2 हटाना है डीकार्बोक्सिलेशन, तो आप सोडा लाइम का यूज कर सकते हैं, सोडा लाइम से ये CO2 हट जाएगा तो PHH बेंजीन रिंग बन जाएगा, यहाँ से H सोडा लाइम आपका होता है CaO+NaOH। इसके बाद नेक्स्ट है इथाइल बेंजीन से 2-फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड 1-2-3 कार्बन COOH, अब सेकंड से फिनाइल ग्रुप मतलब सेकंड से बेंजीन, ये इस तरह से 2-फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, तो CH CH3 1-2-3-4, तो ये आपको बनाना है, तो एक्चुअली में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के अगर COOH अटैच हो जाएगा तो यही तो बन जाएगा CH3CH, यहाँ से एक COOH, तो आप पहले तो इसका रिएक्शन करवा दीजिए Br2 से Br2, तो क्या होगा यहाँ से अटैच होगा या यहाँ से, तो सिर्फ Br2 से करवाइएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बेंजीन से अटैच हो जाएगा, जबकि इस कार्बन से अटैच करना है तो Br2 / sunlight, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन वाला पार्ट देता है, तो यहाँ से H हटेगा और Br लग जाएगा, तो आपके पास
बेंजीन। नेक्स्ट सी एच, एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, बी आर लग गया, उसके बाद सी एच थ्री। अब इससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दीजिए, एम जी से रिएक्शन करवा दीजिए, तो यहाँ से एम जी बी आर लग गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन, सी एच, एम जी बी आर, एम जी बी आर और सी एच थ्री, ये आप समझ जाइए एम जी बी आर है। अब फिर सी ओ टू ऑब्लिक एच प्लस, तो सी ओ टू उसके बाद एच प्लस से एसिडिफिकेशन करिएगा तो आर एम जी एक्स से आर सी ओ एच बनता है, एम जी एक्स से आर सी ओ एच, मतलब एम जी एक्स की जगह सी ओ एच लग जाएगा। तो आप इस तरह से बेंजीन, यहाँ से सी एच, सी एच थ्री, सी ओ एच। तो इसका देखिए आप नेमिंग कीजिएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड से फिनाइल है और तीन कार्बोनेटों का मेंशन, तो टू फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, यही बनाना था। या फिर आप इसका रिएक्शन पहले केसीएन से कर दीजिए फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो केसीएन से तो आर एम जी एक्स से आर सी एन बनता है, मतलब एम जी एक्स के जगह सी एन अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन, इसके बाद सी एच, और इसी कारण से सी एन, और इसी कारण से एक सी एच थ्री पहले से अटैच है, इस तरह से सी एच थ्री। उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस से आर सी एन से आर सी ओ एच बनता है, मतलब सी एन के जगह सी ओ एच, तो यही तो प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन से सी एच, उससे एक मिथाइल और एक सी ओ एच, तो बेंजीन से सी एच, एक मिथाइल ग्रुप, एक सी ओ एच, टू फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो आप दोनों में से कोई मेथड से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल डी हाइड ए, आपके पास एल्डिहाइड, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, विच डज नॉट अंडरगो सेल्फ एल्डोहोल कंडेंसेशन, गिव्स बेंजल्डिहाइड एंड टू मोल्स ऑफ बी ऑन ओजोनोलिसिस, कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद सिल्वर आयन गिव्स ऑक्सैलिक एसिड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी। तो सबसे पहला बात तो कि ये एल्डोहोल रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ए में, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और जब ओजोनोलिसिस हो रहा है तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है PHCHO, जिससे कि पता चल रहा है कि एक बेंजीन रिंग तो होगा पोरिएंट, बेंजीन पोरिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट CH, और इसी से एक डबल बॉन्ड होगा, तभी तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो O जुटेगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा और दो मोल B का बन रहा है, मतलब एक और अनसेचुरेशन होगा अल्किन या अल्काइन का, यहाँ पे तो अल्किन ही होगा क्योंकि एक बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो बेंजाइलिक कार्बन से एक डबल बॉन्ड, तो एक और कार्बन होगा। अब कितना कार्बन एटम बच गया इसमें से देख लीजिए, तो इसमें आपका यूज हो गया C8H6, तो बच गया आपके पास C3H2O, और एल्डिहाइड है मतलब कि एक आपका CHO ग्रुप तो होगा, तो CHO अगर इसमें से बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा C2H CHO, तो CHO और इसके बीच में दो कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा C, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन यहां से अटैच होगा, मतलब इस तरह से आप इसको लिखिए CH, उसके बाद फिर C, ट्रिपल बॉन्ड C और CHO। तो देखिए अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, आप चाहें तो DU से भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो इसका DU होगा 11+1-8/2, तो 12-4, तो DU 8, तो DU 8, तो 4 तो इधर चला गया, 5, 6+7, और CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी, तो एक DU इसके कारण, तो टोटल 8 हो गया, मतलब एक रिंग है और 7 मल्टीपल बॉन्ड है, तो DU 8 सही है। तो ये आपका A का स्ट्रक्चर है। जब इसका ओजोनोलिसिस कीजिएगा तो ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको सी ओ एच, इसको भी सी ओ एच बना दीजिए, तो यहाँ से PHCHO, और ये CHO फिर सी ओ एच प्लस CHO COH, इसी का दो मोल बनेगा, ये तो फिक्स है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, तो इधर CHO है और फिर यहाँ भी सी ओ एच, ट्रिपल बॉन्ड वाला सी ओ एच बनता है ओजोनोलिसिस के बाद, तो COH COH, मतलब ये भी CHO COH CHO COH, ये एक ऑक्सीजन लेके एल्डिहाइड ग्रुप बनाया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो CHO COH, तो ये आपका B हो गया, B प्लस बेंजल्डिहाइड। अब B का ऑक्सीडेशन करते हैं सिल्वर आयन से तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है, तो A और B बताना है, तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये CHO भी फर्दर
सी ओ एच में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इस तरह से ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। इसके बाद अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।